गलती की पड़ी है। और ये छोटू कौन मर गया? छोटू, ओ छोटू, ओ हो 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 हो, ये देखिए यहाँ मालिक भगवान भजन करके ना धो के दुकान आ गए हैं और ये छोटू पर आज तक सोई रहे। छोटू फट, नमस्ते मालिक, मैं अभी तक सो ही रहे। मालिक रात भर बुखार में तपता रहा, अभी ही आग लगी थी, छोड़ नहीं पाया मालिक। काम चोर ऐसे बहाने हैं काम ना करने के, देख तुम्हारी कितनी गंदी पड़ी, चल जाके साफ कर। छोटू के बच्चे, ये बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? मैं ग्राहकों को चाय का तेरे हाथ में दूंगा। झंडे ले लो, झंडे झंडे ले लो, झंडे झंडे ले लो, झंडे झंडे लोगे? आज क्या है जो तू झंडे बेच रहा है? अरे साहब, आज 26 जनवरी है, आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अरे ले लो साहब, आज तो सभी लोग झंडे खरीद के अपनी दुकानों में लगाते हैं। अरे सब लोग तो देशभक्त होने का नाटक करते हैं, आज तो झंडा खरीद के अपनी दुकानों पर लगा देंगे, कल यही झंडे सड़कों नालियों और जमीनों पर पा जाएंगे, उसका क्या? मैं यकीन नहीं लगता, मुझे भी चाहिए कोई झंडा। जैसी मर्जी तुम्हारी साहब, झंडे ले लो झंडे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। राम 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 राम। और कैसे हो छज्जू? बस भैया मालिक की कृपा है। और पर भैया कब आए दिल्ली से? अरे कल ही आया हूँ। ओ तो बताइए क्या लगा? अरे भाई दो स्पेशल चाय रोज की तरह। अभी लोग तो छोटू भैया लोगों की टेबल पे जरा कपड़ा तो मार, अभी मारता हूँ। अरे यार तुषार, ये देख कितना छोटा बच्चा कपड़ा मार रहा है। छोटू छोटा नहीं होगा तो क्या बड़ा होगा? अरे यही काम करता है। छोटू, ओ छोटू, आया मालिक। ये ले भैया लोगों को जरा चाय तो दे करा। छोड़ना पर, ये लोग ऐसे ही होते, मार खाए बिना काम नहीं करते। शट अप तुषार, वो तो कमार है, तुम भी अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हो। भैया आपने देखा नहीं इसने मेरा कितना नुकसान कर दिया? छज्जू तुमको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना, उनको मारना पीटना गैर कानूनी है, और इसके लिए हमारे संविधान में बाल श्रम कानून यानी कि चाइल्ड लेबर एक्ट है, जिसके अंतर्गत 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों से काम करवाना, उनको मारना पीटना गैर कानूनी है, और इसके लिए हमारे संविधान में सजा भी है। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसको 50,000 का जुर्माना, 3 साल की जेल या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तुम रुको छज्जू, तुम रुको, आज ही अपने पापा से कहकर तुमको जेल करवाता हूँ। नहीं नहीं भैया मुझे माफ कर दीजिए, भैया मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ नहीं सुनना छज्जू, तुमको जेल जाना ही होगा। तुषार भैया माफी समझाइए इनको। क्यों छोटू, ये तुमको इतना मारता पीटता है, तुमसे काम करवाता है, फिर भी तुम उसको बचा रहे हो? भैया अगर आपने मालिक को जेल करा दी तो मुझे काम कौन देगा? मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी छोटी बहन है, मैं कमाता हूँ, सब खाते हैं। अगर आपने मालिक को जेल करा दी तो मैं क्या कमाऊंगा? भैया ऐसा मत कीजिए भैया। ठीक है छोटू, तुम कहते हो तो देख लिया छज्जू, जिसको तुम इतना मारते पीटते हो, जिसे इतना काम करवाते हो,
आज उसी की वजह से तुम जेल जाने से बच रहे हो। अगर आज के बाद छोटू से तुमने काम करवाया तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। छोटू मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे, आज से तू स्कूल जाएगा, आज से तेरे और तेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरी। स्कूल जाएगा, पढ़ेगा और पर भैया जैसे बनेगा, जिसने मुझ जैसे आकर के अंधे की आंखें खोली। ये तो सुधर गया। अगर आपके आसपास भी कोई छोटू काम करता है उसकी मदद कीजिए, क्योंकि ये जो छोटे होते हैं ना यही अपने घर के बड़े होते हैं।